फोर्थ एग्जाम और वो मैंने दिया और मेरा उसमें भी नहीं हुआ मेरे को याद है मैंने प्री का पेपर ऐसे फेंक दिया जमीन पर और मैंने बोला कि बस आई एम डन विद इट मैं कैट का एग्जाम दे रहा हूँ बहुत हो गया मैंने रूम को लॉक किया एंड आई वाज लाइक रो रो देता देता फर्स्ट टाइम इन माय प्रिपरेशन एंड आई थिंक फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ मेरे पास कोई टारगेट नहीं था नेक्स्ट डे हेलो एवरीवन माय नेम इज ऋषभ शुक्ला आई सिक्योर्ड रैंक टू फिफ्टी टू इन यू पी एस सी सी एस सी टू थाउजेंड ट्वेंटी टू और मुझे आई पी एस सर्विस एलोकेट हुई है सो द क्वेश्चन इज़ वाई आई एम हेयर सो आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट माई चैलेंजेस माई स्ट्रगल एंड हाउ आई फेस दैम एंड गॉट सेलेक्टेड इन टू यू पी एस सी एंड गॉट द सर्विस ऑफ माई चॉइस सो लेट मी टेल समथिंग अबाउट माई बैकग्राउंड आई वॉज बॉर्न इन मुजफ्फरनगर एंड देन आई वॉज इन गाज़ियाबाद फिर मेरा पूरा चाइल्ड हुड गाज़ाबाद में ही रहा है और मेरी स्कूलिंग साहिबाबाद एक जगह है वहाँ पे गाज़ियाबाद में वहाँ पर हुई है और फिर मेरा एलेवेंथ और ट्वेल्थ सेंट कोलम्बस न्यू डेली में हुआ है उसके बाद आई स्टार्टेड प्रिपरेशन फॉर आईआईटी आई और मेरा आईआईटी बीएचयू में सिविल इंजीनियरिंग हुआ एंड इट गॉट कम्प्लीटेड इन 2017 एंड देन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर यू पी एस सी सो टू इज़ वे बैक दैट मीन्स पाँच अटैम्प्ट लगे मेरे को सो पांच अटेम्प्ट मीन्स इट वॉज नॉट एन ईजी रोल फॉर मी सो देर लॉट ऑफ स्ट्रगल्स एंड आई विल भी टॉकिंग अबाउट दो स्ट्रगल्स बट लेट मी फर्स्ट टॉक अबाउट डेस्टिनी सो ये यू पी एस सी का आइडिया आया कैसे आई ए एस आई पी एस का आइडिया आया कैसे सो so, मेरे जो दादाजी थे सो दे यूज टू गिव मी आशीर्वाद डेली का आशीर्वाद होता था उनका वेन आई यूज टू टच एज फीट ही वॉज लाइक आयुष्मान भाव यशस्वी भाव तेजस्वी भाव आई एस भाव सो दिस वॉज एवरी डे कॉन्वर्सेशन विद हिम एवरी डे ग्रीटिंग्स वर लाइक दैट तो बिकॉज आई वॉज इन अर्बन सेटिंग मेरा बहुत इंटरेक्शन कभी हुआ नहीं है आई एस आई पी एस और बिकॉज आई वॉज ऑल्सो इन द प्राइवेट स्कूलिंग तो ऐसा भी नहीं था कि फ्लैग होस्टिंग के वक्त मतलब यूजली इन द रूरल सेटिंग्स पीपल विटनेस दैम तो मेरा ऐसा कुछ था नहीं तो मोस्टली आई गॉट एन आइडिया फ्रॉम वॉचिंग मूवीज सो दैट वॉज आई आई वॉच गंगा जल एंड आई वॉज दूवीज एंड आई वज लाइक आई आई वॉन्ट टू बिकम एन आई पी एस ऑफिसर सो दिस वॉज वे बेक इन टू थाउजेंड इलेवन और मैंने अपने दोस्तों को बोला था आई वॉन्ट टू बिकम एन आई पी एस ऑफिसर बट वो सब फेड हो गया बिकॉज आई वॉज प्रिपेरिंग फॉर आई आई टी और चार साल आई आई टी में था सिविल इंजीनियरिंग पढ़ रहा था एंड देन आई गॉट प्लेसड और वो कंसल्टेंसी फॉर्म में, में मेरा प्लेसमेंट हुआ उसके बाद वैन माई फ्रेंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर यू पी एस सी तो मैंने पूछा कि भाई ऐसा क्या है यू में देन दिक शोड मी द वीडियोज़ ऑफ टीना मैम उस समय सोशल मीडिया बहुत आ रहा था यूट्यूब में सबके बारे में आ रहा था फिर गौरव अग्रवाल सर हैं 2013 थाउजेंड थर्टीन टॉपर आई थिंक 2013 थे तो पता चला कि मोस्ट ऑफ़ देम आर लीविंग हाई पेइंग जॉब्स ही वाज आई थिंक सिटी बैंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो उन्होंने वो जॉब छोड़ी एंड दे कैम दे केम टू सिविल सर्विसेज तो थोड़ा इंट्री हुआ मैं क्या है ये ऐसा तो देन आई सार्टेड रिसर्चिंग आई ए एस आई पी एस इनका जॉब प्रोफाइल क्या है देन आई लुक एट द काइंड ऑफ डाइवर्सिटी दे आर इन मेरे साथ एक uh, किस्सा हुआ था बी एच यू में बी एच यू में अभी uh, अभी बहुत फोकस में एक मोला uh, स्टेशन का जो इशू चल रहा है काफ़ी फरोर है उसके ऊपर uh, तो क्या हुआ था कि टू थाउजेंड सिक्सटीन में देवर सर्टेन गूंस सात आठ गूंडे टाइप लोग थे और कैम्पस के अंदर दे फिजिकली असोल्टेड में और होता था वहाँ पर आईटी आई टी, आ, टी के स्टूडेंट्स के साथ कभी कभार हो जाता था तो मैं अपने दोस्तों के साथ गया दोस्तों के पास गया हॉस्टल में एंड आई वाज ट्रेवलिंग कहाँ पर था मैं तो उन्होंने बोला कि क्या एक्शन लेना है uh, क्या फील हो रहा है तुम्हें उन्हें भी नहीं पता क्या करना है uh, पुलिस uh, क्या करेगी मतलब एवरी वन वॉज़ तो मेरा जवाब था कि मुझे आई बनना है और इन तरह के लोग जो हैं ये मेरे डिस्ट्रिक्ट में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे तो दिस वॉज़ माई रिप्लाई और उस दिन बहुत सॉलिड हो गया था कि आई बनना है तो अब मैं अटैम्प्ट आता हूँ ये सब हो गया इट वॉज़ अब सब फेडेड मेमोरी है ये थोड़ा इमोशन उस समय रहता है तो मेन चीज़ है कि अब काम पर आते हैं प्रोसेस पे आते हैं फर्स्ट अटैम्प्ट इज़ ऑलवेज वेरी चैलेंजिंग आपको पता नहीं होता बिल्कुल अनचार्टड टेरिटरी होती है आप साइंस बैकग्राउंड से आते हो आपने आईआईटी में पढ़ाई की है ऑब्जेक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है नाउ इट इज़ ऑल सब्जेक्टिव हिस्ट्री जोग्राफी कुछ पता नहीं एंड द थिंग इज़ कि इस लेवल ऑफ़ अनअवेयरनेस थी कि मेरे को ये भी नहीं पता था कि जैसे कि मेंबर ऑफ लेजिटिव काउंसिल्स कैसे इलेक्ट होते हैं क्या क्राइटेरिया होता है कुछ नहीं पता था क्योंकि आपने बहुत पहले पढ़ा था और वो याद नहीं रहता है प्रेजिडेंट वाइस प्रेजिडेंट एनी एनी थिंग मतलब बहुत ही वेग मेमोरी थी तो मेरे को uh, लगा कि मेरे को कोचिंग की ज़रूरत है uh, क्योंकि थोड़ा फास्ट करते हैं प्रोसेस को अगर कोचिंग नहीं करेंगे तो मेरे को ज़्यादा टाइम लग जाएगा एंड आई डेंट हैव टाइम क्योंकि कॉलेज के वक्त बिल्कुल नहीं पढ़ा था तो मैंने कॉलेज कोचिंग किया जी का भी किया ऑप्शनल का भी किया ऑप्शनल मैंने जोग्राफी लिया था जोग्राफी उस समय इसलिए लिया था क्योंकि मेरे सीनियर्स ने लिया था एंड मेरे को लगा कि आप साइंस बैकग्राउंड के हो थोड़ा सा थोड़ा ऑब्जेक्टिविटी रहती है जोग्राफी में इफ वी कंपेयर इट टू अदर सब्जेक्ट्स लाइक सोशोलॉजी एट्सेट्रा देकेयर मीआर बिट पता नहीं वो डिसीजन क्या था बट आई टुक जोग्राफी और मैंने उसमें ऑप्शनल जोग्रफी लिया उसकी भी कोचिंग ली मैंने सो so, मेरे को वो बताते थे कि अपना बेसिक्स पढ़ना है एन पढ़नी है देन उनके अपनी किताबें होती थी नोट्स होते थे उनको रिवाइज करता था मैं डेली करता था और आंसर राइटिंग बहुत जल्दी शुरू नहीं करी बिकॉज बहुत जल्दी शुरू करने का कोई सेंस नहीं बनता बिकॉज आपका एक होलिस्टिक अप्रोच नहीं बना होता है उसके लिए थोड़ा टाइम लगता है आपको कंटेंट बनाना होता है सो इट वाज स्टार्टेड जनवरी लेट फेबररी में और उन्होंने एक चीज़ बोली थी कि जो टेस्ट सीरीज़ होती है ना टेस्ट सीरीज आर लाइक योर टेक्स्ट बुक्स मतलब अगर एम सी क्यू कर रहे हैं तो एक सवाल में चार ऑप्शन हैं तो बेसिकली आप एक सवाल के थ्रू चार सवाल कर रहे हो सो so, इंस्ट कि अगर आपके पास एक ऑप्शन आता है और आपका गलत हो जाता है तो गलत हो रहा है या सही हो रहा है यू जस्ट रीड द सोल्यूशंस और अगर एक टॉपिक आप बार बार गलत कर रहे हो जस्ट गो बैक टू द बेसिक बुक्स एंड देन लर्न अबाउट इट तो इस तरह से मेरा प्रिलिम्स बहुत स्ट्रांग हो गया था थर्टी फाइव टू फोर्टी टेस्ट मैंने लिखे थे फर्स्ट अटैम्प्ट में प्री के तो दैट मीन्स फोर थाउजेंड क्वेश्चन सो दिस इज़ अ लॉट और उसमें कहीं ना कहीं सवाल फंसेगा और नहीं फंसेगा तो कम से कम आपका इंट्यूशन बनेगा आपको एलिमिनेशन टेक्निक्स आ जाएंगी तो इस तरीके से मैंने प्रिलिम्स अप्रोच किया था और प्रिलम्स मेरा क्लियर हुआ बट द थिंग इज कहीं ना कहीं मीन्स रह गया और मेंस में मोस्टली ऑप्शनल uh, का इशू था ऑप्शनल मेरा uh, रह गया कि उसमें 218 मार्क्स आए थे तो अब सेकेंड अटैम्प्ट में आते हैं सेकेंड अटैम्प्ट में मेरे को इतना तो कॉन्फिडेंस था कि प्री निकल जाएगा अच्छा मैं पहले बता दूँ कि पाँच अटैम्प्ट में चार प्री निकले हैं मेरे मतलब मैंने चार मेंस लिखे हैं सो प्री वाज नेवर एन इशू और जो एक बार नहीं निकला वो कुछ पॉइंट फाइव मार्क्स से रह गया था मेरा उसको भी मैं बताऊंगा क्या वजह थी तो सेकेंड अटैम्प्ट में मैं uh, गया सेकेंड अटैम्प्ट में पता नहीं क्यों थोड़ा एनर्जी डाउन था पढ़ाई की आदत हल्की सी कहीं गड़बड़ हो गई थी कुछ तो गड़बड़ था डिसिप्लिन में और उसकी वजह से जोग्राफी में मेरा आया 196 पेपर टू में 69 मार्क्स 66 और 69 तो दिस वाज वेरी मच डेवस्टेटिंग फॉर मी बिकॉज उसी वक्त मेरे कुछ बैचमेट्स का सिलेक्शन हो गया एंड दे बिकेम आईपीएस एंड आईआरएस एंड आईएएस ऑफिसर तो दैट हर्ट मी मोस्ट क्योंकि फर्स्ट अटैम्प्ट में किसी का नहीं हुआ था तो इट फेल्ट कि चलो ठीक है मतलब पहला होता है जब दूसरे में सबका हो गया और मेरा नहीं हुआ था तब बहुत बुरा लगा था और उनको भी छोड़ो द पीपल हुआ वर्किंग इन द कॉरपोरेट सेक्टर दे वर ट्रेवलिंग इन द फॉरन कंट्रीज़ कोई पी कर रहा है कोई एम कर रहा है सम आर गेटिंग मैरिड सम आर बाइंग कार्स और वो आप सोशल मीडिया पर देख रहे हो लगातार तो बहुत ही मेंटली डिस्टर्बिंग हो जाता है अब कंपैरिजन होता है पियर कि ये अपने साथ बैठे थे अपने साथ पढ़ रहे थे और वो अभी कहीं पहुंच गए और आप अभी उसी घर में बैठे हो वहाँ चार दीवारी में बैठे हो किताबें किताबों का ढेर लगा हुआ है और यू आर स्टडींग तो ऐसे में स्टडी भी नहीं हो पाता है तो फिर वो कुछ अलग चलता है वो सोशल मीडिया देखते हो आप उससे डिप्रेस हो जाते हो फिर आप एस्केपिज्म की तरफ भागते हो आप कोई टीवी सीरीज़ देख लोगे मूवी देख लोगे तो बहुत ही फॉगी हो जाता है कभी कभार ब्रेन तो उसमें फिर मेरे को रियलाइज़ हुआ कि यार मोटिवेशन जो है ना बहुत ही टेम्प्रेरी इमोशन है हम लोग मोटिवेशन के पीछे भागते हैं मेरा वीडियो चल रहा है पीपल विल गेट मोटिवेटेड बट दैट विल लास्ट ओनली फॉर टेन मिनट्स द मेन थिंग इज यू हैव टू बिल्ड हैबिट्स और हैबिट्स विल लास्ट अगर आपकी हैबिट बन गई ना कि उठते ही मेरे को ब्रश करना है तो यू विल नॉट आप ऑटोमेटिक मोड में जाते हो आप ब्रश करते हो एकदम आपको पता भी नहीं रहता कभी कभार तो यही हैबिट बनानी है कि आपको उठते ही सुबह न्यूज़ पेपर पढ़ना है आपको उठते ही फिर न्यूज़पेपर के बाद आप ये करोगे फिर जी एस उठाओगे फिर ऑप्शन उठाओगे तो दिस इज़ हाउ यू बिल्ड हैबिट तो अगर आपका दिन खराब भी जा रहा है ना वो ज़ीरो डे नहीं जाएगा कभी भी कुछ ना कुछ करोगे आप मतलब मैक्सिमम का कम से कम फिफ्टी परसेंट दे दोगे वे बेटर बहुत अच्छा है तो ये किया फिर मैंने आई हैड टू बिल्ड हैबिट्स सो थर्ड अटैम्प्ट आया एंड थर्ड अटैम्प्ट में कोविड आ गया था एंड कोविड जब आपकी लाइफ में ऑलरेडी इतनी सारी अनसर्टेनिटीज़ चल रही हैं पेपर अनसर्टेन है ऊपर से एक अनसर्टेनिटी और आ गई कोविड जिससे एग्ज़ाम का पूरा स्केड्यूल ही चेंज हो गया अभी जो एग्ज़ाम होता था आपका मे में, में वो शिफ्ट हुए जा रहा है और आपको पता ही नहीं कि फाइनली होगा कब तो प्री आया प्री दिया प्री निकला मेंस आया मेंस भी निकल गया बट उसके बाद 2021 थाउजेंड सेकेंड वेव आई और माय फादर गॉट इन्फेक्ट एक्चुअली फुल फैमिली गॉट इन्फेक्टेड बट फादर का थोड़ा वो ज़्यादा हो गया था तो ही गॉट एडमिटेड एंड दो तीन दिन बाद माई ग्रैंड मदर गॉट एडमिटेड और उनको लेके जाना पड़ा था हमें मेरठ बहुत दूर हो गया था तो बहुत ज़्यादा एंगजाइटी हो रहा था ड्रीम्स में भी यही आता था, था कि क्या चल रहा है ये ऑक्सीजन सिलेंडर्स ये सब दिख रहे होते थे अब मेरा समय चल रहा है इंटरव्यू का बट एनी इंटरव्यू भी काफ़ी लेट हो गया था तो बहुत मतलब मेंटली बहुत वियर्ड हो जाता है आपका और आप अपने पीयर्स से ऑलरेडी कंपेयर कर ही रहे हो अनसर्टेनिटी है इनकम नहीं है और खर्चा भी हो रहा है तो आपके सब दिमाग में चलता है बिकॉज यू आर द एल्डर सन तो इंटरव्यू दिया इंटरव्यू uh, दिया एंड आई वॉज़ थिंकिंग कि पॉजिटिव रिजल्ट आना चाहिए क्योंकि मेन्स अच्छा गया था मेरा सो so, मैंने ऑप्शनल बेटर किया इस बार टू फोर्टी थ्री मार्क्स आए हुआ क्या था अब इतना नॉलेज आ गया था मेरे पास बिकॉज ऑफ द क्रैश कोर्स जो मैंने किया था कि मेरा पेपर छूट गया मैं ज़्यादा लिखने के चक्कर में पेपर ही छूट गया तो फिफ्टी मार्क्स का मेरा ऑप्शनल छूट गया था और uh, उसकी वजह से मेरा टू फोर्टी थ्री स्कोर आया फिर भी बेटर आया बाकी अटैम्प्ट से बट मेरा फाइनल uh, सिलेक्शन रह गया था बस थर्टी मार्क्स से इंटरव्यू में भी अच्छे नहीं आए थे वन फिफ्टी सेवन आए थे मेरे तो उस पर मैं आता हूँ कि इंटरव्यू मेरा मेरे को मेरी क्या एनालिसिस है कि इंटरव्यू क्यों खराब गया था और इस बार क्यों बेटर हुआ मेरा सत्यवती मैम का बोर्ड था टू थाउजेंड ट्वेंटी वाले अटैम्प्ट में सो आई वेंट वेंटन बिकॉज आई एम अ सिविल इंजीनियर तो एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप थोड़ी नॉलेज तो रखते हो एंड स्पेशली वेन यू फ्रॉम आई तो आपका वो एक्सपेक्टेशन भी बढ़ जाता है अब द थिंग इज आपने 2017 में कोर्स कंप्लीट कर लिया था अभी चार साल हो गए हैं तो थोड़ा नॉलेज फेड हो जाता है नॉलेज का जो ग्राफ है अगर आप रिपीट नहीं करते हो तो वो कम होती है ठीक है तो प्लस आपने वैसे भी कंसल्टेंसी फॉर्म के लिए प्रिपेयर किया था प्रिप, प्लेसमेंट में तो मैंने कोर पर इतना ध्यान दिया भी नहीं था कॉलेज के वक्त तो कुछ सवाल थे जहाँ पर मैं अटक गया था तो उसकी वजह से उन्हें पता चल गया था कि ये वीक पॉइंट है तो सवाल थोड़े रिपीट हुए वो टेक्निकल वाले टेक्निकल एस्पेक्ट में ज़्यादा चले गए तो नहीं तो मॉक इंटरव्यूज में आई वॉज ऑलवेज गेटिंग ए वेरी पॉजिटिव रिस्पॉन्स बट वहाँ पर जब मेरे को आया रिज़ल्ट आया और मेरे को पता चला कि मेरा नहीं हुआ इट वॉज़ सो डेवस्टेटिंग और मेरे को जरा भी उम्मीद नहीं थी कि इंटरव्यू में इतना ख़राब हुआ क्योंकि बिकॉज अदर क्वेश्चन वर आंसर्ड वेरी वेल बाई मी बस ये टेक्निकल वाला थोड़ा अटक गया था बट मेरे को लगा था कि वो बहुत ज़्यादा टेक्निकल पूछ रहे हैं दे विल लेट इट गो बट दे डेंट सो वन फिफ्टी सेवन माई वॉज माई स्कोर और सोलह दिन बाद फिर मेरा प्री का एग्जाम था फोर्थ प्री फोर्थ एग्ज़ाम और वो मैंने दिया और मेरा उसमें भी नहीं हुआ तो लगातार मैंने दो फेलियर्स देखे विद इन स्पैन ऑफ सिक्सटीन डेज वो बहुत ख़राब स्टेट थी और मैंने मेरे को याद है मैंने प्री का पेपर ऐसे फेंक दिया ज़मीन पर पापा बैठे हुए थे मेरी बहन बैठी हुई थी और मैंने बोला कि बस आई एम डन विद एट मैं कैट का एग्ज़ाम दे रहा हूँ बहुत हो गया और मैं सीरियसली सोच गया था कि अब कैट का ही देना है तो वो कुछ नहीं बोले वो बहुत मेच्योरली उन्होंने हैंडल किया पापा ने बहन ने सब ने कि ठीक है अभी जैसा लगता है लगने दो उन्हें पता था बहुत इमोशनल है अभी तो उन्होंने कुछ नहीं बोला तो फिर उसके बाद फाइनल रिज़ल्ट आया वो तो मैंने मार्क्स लगा के देख लिया था कि नहीं होने वाला फाइनल रिज़ल्ट आया उस दिन तो बहुत ही गंदा हिट किया क्योंकि फर्स्ट टाइम इन माई प्रिपरेशन एंड आई थिंक फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ मेरे पास कोई टारगेट नहीं था नेक्स्ट डे मैं सुबह उठा एंड आई फेल्ट ब्लैंक मेरे पास कुछ था ही नहीं और इतना anxiety था बिकॉज समटाइम्स मेरे को क्या लगता है मैन आर कंडीशन नॉट टू स्पीक अबाउट दर इमोशंस तो वो अंदर बिल्ड होता जाता है तो मैं बाहर गया मैंने रूम को लॉक किया एंड आई वॉज लाइक रो देता हूँ रो देता हूँ रोना ही नहीं निकल रहा है और मैं बहुत खड़ा हुआ हूँ कि क्या करना है क्या करना है बहुत ज़्यादा हो गया तो मैंने कहा मैं जाता हूँ मैं करोल बाग जा रहा हूँ बिकॉज आई हैड टू गेट आउट ऑफ माई होम क्योंकि मैं चाहता नहीं था कि इस स्टेट में देखें घर वाले तो मैं घर से बाहर निकला करोल करोलबाग गया और कोचिंग में एक सर हैं उनसे मिलने गया तो मैंने बोला कि सर ऐसा ऐसा लग रहा है और मुझे समझ में नहीं आ रहा करना क्या है तो सर मैंने अच्छा उस बीच में मैंने एग्ज़ाम दे दिए थे बिकॉज मेरे को लगा कि यार अब थोड़ा हो रहा है अब थोड़ा ऑल्टरनेट की तरफ जाते हैं तो मैंने आई का एग्ज़ाम दिया था ए का और फिर उसके बाद मैंने भर दिया था ये एस बी और ये आई का एग्ज़ाम दिया था तो आई बी पी एस पी ओ का एग्जाम निकलते चले गए और बहुत जल्दी उनका साइकिल है फर्स्ट अप्रैल को पता चला कि मेरा आई बी पी एस पी ओ में सिलेक्शन हो गया पंजाब एंड सिंध बैंक मेरे को मिला है और मेरा आई बी में भी सिलेक्शन हो गया तो अब मेरे को अब घर पर ये बात चल रही है कि अब क्या करना है तो मैंने बोला कि आई बी ज्वाइन करना है क्योंकि इंटेलिजेंस ब्यूरो मेरे को हमेशा आई पी एस का इंटरेस्ट था वो थोड़ा सिमिलर जॉब प्रोफाइल है यू पी एस सी से दे वॉन्टेड मी टू ज्वाइन बैंक क्योंकि सेफ़ जॉब है और लोगों को ज़्यादा पता भी होता है आई बी में आप बता नहीं सकते बट आई ज्वाइन आई और इसी बीच में फिफ्थ अटैम्प्ट चल रहा था फिफ्थ अटेम्प्ट का मेरा प्री निकल गया था मेन्स हो रहा था मेन्स दिया मैंने और फिर जब रिजल्ट आ गया फिर मैं आई ज्वाइन कर लिया था उसके बाद मेरा सिर्फ इंटरव्यू बचा था एंड दैट्स व्हेन आई गेव इंटरव्यू तो मैं उसके फिफ्थ अटैम्प्ट के बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा तो फिफ्थ अटैम्प्ट में क्या हुआ कि प्री इस बार बहुत टफ आया था बहुत वियर्ड और मैंने प्री दिया और प्री से निकलते ही आई वॉज़ लाइक कि अब जॉब लगी चुकी है आई में हो गया है और ये सिलेक्शन तो नहीं होने वाला छोड़ो यू डन देखते हैं कैट का मन किया तो कैट दे देंगे और मैं मेट्रो से आ रहा था मेरा बिल्कुल मन नहीं लग रहा था किसी से बात करने में पेपर डिस्कस कर पेपर तो मैं डिस्कस करता नहीं कभी भी लोग कर रहे होते तो मैं निकल गया बाहर मैं स्टेशन पे आया मैंने कहा देखते हैं कुछ आंसर की आई है कि नहीं वहीं पे मेट्रो में मैंने लगाया और हंड्रेड मार्क्स आ रहे थे मेरे प्री में तो आई कुड नॉट बिलीव कि यार 116 कैसे आ सकते हैं मैंने दो तीन से लगाया 116 सिक्सटीन टू हंड्रेड वेरी किया आई वॉट वेरी हैप्पी मैंने कहा कि इस बार शायद लग रहा है मेरे को कि किस्मत है मेरे साथ मेहनत तो कर ही रखी है तो फिर मेन्स दिया मेन्स में इस बार क्या था कि डेली आंसर राइटिंग करनी थी और ऑप्शनल को भी पढ़ना था जो वो क्रैश कोर्स किया था उसके नोट्स रिवाइज करने थे टेस्ट सीरीज़ लगाई थी मैंने तो बट मेन फोकस मेरा क्या था कि मैं बहुत आंसर्स लिख नहीं पा रहा था बिकॉज मेरा कंटेंट थोड़ा बिकॉज प्रीवियस प्रिपरेशन में फिर ये अदर एग्जाम्स जो मैंने दिए उससे ब्रेक आ गया था तो मेरे को थोड़ा कंटेंट पे काम करना था क्लासेस लगाई थी मैंने करंट अफेयर्स की तो इन पे काम करते करते थोड़ा टेस्ट सीरीज़ रह गया मेरा बट मैंने एक अच्छी काम अच्छा काम क्या किया कि जो इनके मॉक टेस्ट होते हैं मैंने उनको पूरे सोल्यूशनस के साथ पढ़ा उसमें क्या ये आ, हमेशा याद रखना चाहिए कि जो टेस्ट सीरीज़ होती है ना दे आर लाइक योर टेक्स्ट बुक्स और स्पेशली मेंस में क्योंकि मेंस में क्या ना सिलेबस बहुत ही टॉपिक वाइज है तो वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्वेश्चन कवर कर ही लेगा एंड द थिंग इज़ यू हैव टू राइट इन हंड्रेड एंड फिफ्टी टू टू हंड्रेड फिफ्टी वर्ड्स डिपेंडिंग अपॉन द मार्क्स ऑफ द क्वेश्चन बट जो वो सोल्यूशन होते हैं वो चार सौ पाँच सौ वर्ड्स के होते हैं सो बेसिकली दे कवर द टॉपिक वेरी होलिस्टिकली तो अगर आप उसको पढ़ लेते हो ना आपको बहुत आइडिया हो जाता है प्लस यू हैव प्रीवियस नॉलेज ऑल्सो ऐसा तो है नहीं कि आप कोरा कागज़ हो तो उसने मेरे को मॉक टेस्ट ने बहुत ज़्यादा हेल्प करी और यही चीज़ मैंने ऑप्शनल में लगाया तो बिकॉज ऑफ दैट थोड़ा हाँ थोड़ा किस्मत ख़राब रहा कि एस में 104 आया एथिक्स में 99 आया जो कभी नहीं आते थे बट आई गॉट 101 मार्क्स इन जी 112 थ्री हंड्रेड एंड ट्वेल्व इन जी एस वन हंड्रेड एंड ट्वेल्व इन जी और इस बार ऑप्शनल में भी 268 आए तो ये था इस बार मैं मेन्स देने के बाद काफ़ी कॉन्फिडेंट था कि मेन्स हो जाएगा और एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट मेरे को मिला भी यूजली हम बहुत ही आ, वो होते हैं बहुत कॉन्शियस रहते हैं टेलीग्राम पे ग्रुप पे चल रहा होता है व्हाट्सएप ग्रुप पे चल रहा होता है रिजल्ट से तीन चार दिन पहले कि क्या हो रहा है क्या हो रहा है बहुत स्ट्रेस में रहते हैं इस बार मैं स्ट्रेस में ही नहीं था क्योंकि आई वॉज वर्किंग तो फोन्स अलाउड नहीं होते वहाँ पे इंटेलिजेंस ब्यूरो में तो आप जब शाम को लौट के आते हो यू सी तो पता चला कि डेढ़ घंटे पहले रिजल्ट आ चुका है तो कोई वो टेंशन थी ही नहीं मैंने खोला मैंने नाम देखा मैंने घर पे फ़ोन किया कि हो गया ठीक है एवरी एवरी वन वो के चलो बढ़िया है बढ़िया फिर मेरी पोस्टिंग हो गई थी मैं था कहीं दूर था रिमोट लोकेशन पे था और वहाँ पे से मेरे को इंटरव्यू का प्रिपरेशन करना था तो इंटरव्यू चल रहा था टेस्ट में ज़्यादा दे नहीं पा रहा था क्योंकि इंटरनेट कनेक्टिविटी का इश्यू था वहाँ पर तो तो मैंने इस बार क्या काम किया कि जो अपने बेसिक डैफ है डैफ से रिलेटेड बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया और मेरे को ये टिप्स दी थी मॉक टेस्ट में उन्होंने कहा था कि यार जब आप ना लीड करो क्वेश्चन को इंटरव्यू में ताकि वो मतलब ऐसा ना लगे कि क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर इट शुड बिकम ए कॉन्वर्सेशन तो आप कहीं ना कहीं छोड़ दो वो वहाँ से पिकअप करेंगे तो this, दिस आई वॉज वेरी क्लियर कि मतलब इस बार इस बार क्वेश्चन वो बनाना है क्वेश्चन एयर नहीं बनाना आपको कॉन्वर्सेशन रखनी है तो वो कुछ क्वेश्चन पूछते थे आई वुड पुट इन समथिंग एल्स कि फिर कहीं ना कहीं बात आई कि uh, मेरे डैफ में लिखा नहीं था इंटेलिजेंस ब्यूरो का क्योंकि उसके बाद ज्वाइन हुआ था तो वो देख कह रहे थे कि पाँच साल हो गए एंड आई न्यू कि क्या क्वेश्चन आने वाला है कि पाँच साल हो गए हैं आप अब तक क्या कर रहे थे आई एम ऑलरेडी वर्किंग इन आई बी इंटेलिजेंस ब्यूरो एज ए सी आई ओ सो काफ़ी एक्साइटेड हो गए थे बिकॉज उसमें आई पी एस भी थे पैनल में कुछ तो फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन आए फिर मेरी हॉबीज से रिलेटेड क्वेश्चन आए मैंने बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रखा था सो आई प्ले गिटार यू के ले लें तो मैंने उसको इतने अच्छे से प्रिपेयर कर रखा था क्योंकि बजाता भी हूँ ऐसा नहीं कि थ्योरेटिकली प्ले कर प्रिपेयर कर रखा था मतलब तो उन्होंने फिर मेरे से क्वेश्चन पूछा कि आर यू ट्रेंड इन क्लासिकल वेस्टर्न म्यूज़िक सो बिकॉज दिस वॉज द लेवल ऑफ रिस्पॉन्स तो मैंने बोला नहीं मैम एक्चुअली मई रूम मेट जो था कॉलेज का उसने मुझे सिखाया था और फिर मैं अपने आप से कुछ सीखता जा रहा था तो हर हॉबी को उन्होंने कवर किया बिकॉज उनको इंटरेस्ट आ रहा था जानने में सो यू हैव टू मेक इट इंटरेस्टिंग बहुत ब्लैंड नहीं करना उसको बहुत वनीला नहीं रखना कॉन्वर्सेशन ठीक होनी चाहिए कि उनको मज़ा आया आगे आगे पूछते हैं चलो ये हॉबी में मज़ा आया दूसरा पूछते हैं तो इस लेवल से था तो दिस इज वॉट माई स्ट्रैटी वॉज रिजल्ट बड़ा पॉजिटिव आया एक्चुअली मैं घर पे नहीं था और देखा जाए तो मैं तीनों रिजल्ट्स पे uh, ये बैंक वाला रिजल्ट हो गया आई का रिज़ल्ट हो गया और ये यूपीएससी का तीनों पे मैं घर में था ही नहीं मैं बाहर था <coughs> और मैं ट्रैवल कर रहा था मैं अपनी पोस्ट पे वापस जा रहा था छुट्टी के बाद सिक्सटीन मे को मेरा इंटरव्यू था एटीन मे को इंटरव्यू ख़त्म हो रहे थे ट्वेंटी को रिजल्ट आया एंड आई वॉज एन रूट टू माई पोस्ट तो वहाँ बीच में मेरे को देखा मैंने मैंने रिजल्ट देखा मैंने पापा को बोला फ़ोन करके कि पापा नौकरी लग गई दूसरी वाली <laughs> तो कहते कि क्या रैंक है मैंने बताया रैंक टू फिफ्टी टू है और आईआरएस मिल जाएगा तो ये वाला कॉन्वर्जेसन था उनका बहुत बढ़िया बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन सब खुश हो गए एकदम से फिर उसके रिज़ल्ट के बाद में दो महीने था ही नहीं इसलिए मेरा कभी कोई, कोई फेलिसिटेशन में जाने का मतलब दिस इज़ माई फर्स्ट काइंड ऑफ इंट्रैक्शन ऐसे तो मैं बहुत दूर था तो फिर उसके बाद मैं जब वापस आया ई ओ लिया था मैंने छुट्टियाँ ले ली थी तो फिर ट्वेंटी सेकेंड जुलाई मेरा बर्थडे तो उस दिन बहुत एक्सपेक्टेड था कि आज सर्विस एलोकेशन आ जाएगा और पापा से बात चल रही है पापा और मैं बैठे हैं तो पापा वॉज लाइक कि ई ओ लेना है आई आर बढ़िया है मेट्रो सिटीज़ मिलती हैं वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा है ही वॉन्टेड मी टू जॉइन आई बढ़िया है आ, बट आई वॉज़ लाइक कि मन तो आई का है आई पी एस ही आना चाहिए सर्विस एलोकेशन केम मेरे को मैंने देखा ऋषभ शुक्ला टू फिफ्टी टू आई पी एस एंड मेरी रैंक पर आई पी एस क्लोज हुआ था तो दिस वॉज द लेवल ऑफ मैनिफेस्टेशन जो भी खेलो उसको बट मेरी रैंक पर आई पी एस क्लोज हुआ था एंड आई गोट वेरी हैप्पी मैं पापा के पास गया आई वॉज लाइक पापा आई पी एस मिला है ही ऑल्सो गॉट हैप्पी कि उसको जो चाहिए था वो मिल गया सो दिस वॉज माई होल एक्सपीरियंस ऑफ यू पी एस सी जो भी स्ट्रगल्स थे मिस्टेक्स uh, थी उनको कैसे रेक्टिफाई किया बस यही था कि लंबी जर्नी थी थोड़ी uh, गलतियाँ कम करते बीच में तो और छोटी हो जाती मे बी सेकेंड अटम्प थर्ड अटैम्प्ट बट यू ऑलवेज़ लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स तो इस लंबी जर्नी में जो भी मैंने सीखा है मैं थोड़ा सा शेयर करना चाहूँगा uh, यह है कि अपने ऊपर विश्वास हमेशा बनाए रखिए मतलब बहुत चैलेंजेस आएंगे बहुत हार्डशिप्स आएंगी बट इफ़ यू नो योर स्ट्रेंथ्स या वीकनेसेस अगर बेसिकली अगर आप अपना शॉर्ट एनालिसिस कर लोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि आप कर सकते हो या नहीं कर सकते हो एंड मोस्टली आप कर सकते हो देर आर मेनी एग्जाम्पल्स जहाँ पर ट्वेल्थ में फिफ्टी फोर परसेंट फिफ्टी थ्री परसेंट लेकर लोग यूपीएससी क्लियर करें हैं जहाँ पर कॉलेज ड्रॉप आउट्स लोग करके बड़े बड़े स्टार्टअप किए हैं सो इट डजेंट डिपेंड कि आपने पास्ट में क्या किया है इट डिपेंड्स कि आप प्रेजेंट में क्या कर रहे हो तो इवन इफ़ आपने फ़ोर अटेम्प्ट बहुत खराब किए हैं बहुत ख़राब नहीं थे कुछ कुछ जगह थोड़े और मेरे को पता था कि बहुत थोड़ी थोड़ी मिस्टेक्स हैं अगर इनको सही कर लूंगा तो हो जाएगा सो इट डिपेंड्स कि आप प्रेजेंट में क्या कर रहे हो इसको हमेशा याद रखना कि प्रेजेंट में ही करना है और हैबिट्स बनाने हैं सो so हम लोग थोड़ा मोटिवेशन के पीछे बहुत भागते हैं इट्स इट्स ऑल्सो एन एडिक्शन द थिंग इज़ यू बिल्ड योर हैबिट्स आप फिटनेस के मोटिवेशन वीडियोज़ देख लो आप मोटिवेट हो जाओ लेकिन देन बिल्ड योर हैबिट्स आप डेली जिम जाओ और मैं ये बोलूँगा कि uh, एक एक और लर्निंग थी कि बिकॉज जब थोड़ा स्ट्रेस हो जाता है तो आई डू स्ट्रेस ईटिंग और बिंज ईटिंग बिंज वॉचिंग ये दोनों साथ में चलते हैं और उसकी वजह से आई गेंड अ लॉट ऑफ वेट मेरा वेट हो गया था कुछ हंड्रेड के हो गया था और जब आप उस स्टेट में होते हो ना कि आप यू यूर नॉट सेटिसफाइड विद योर सेल्फ यू नो योर पोटेंशियल यू हैव बीन फिट बिफोर तो फिर मैं जिम जाने लगा और मैं लंबी रनिंग करने लगा टेन किलोमीटर्स और एक चीज़ होता है कि बिकॉज योर अब रिलीज़ होते हैं बी डी एन एफ बहुत सारे हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं गुड हॉर्मोन्स सो यू फील गुड अबाउट योर और अगर आप दिन की स्टार्ट ऐसे कर दो ना एक घंटा आप भाग के आए हो तो यू फील लाइक अ विनर तो यू लाइक कि अब पूरा दिन ऐसे ही जीतेंगे तो so वो चलता जाएगा चलता जाएगा तो so ये मैंने सोच लिया था कि फ़िटनेस पे थोड़ा ध्यान देना है और वो थोड़ा ऊपर नीचे हर बार होती रहती है मेंस के बीच में फिर खराब हो जाएगी फिर उसके बाद आप इंप्रूव करते हो इंटरव्यू तक इंटरव्यू तक अच्छा करते हो अभी मैं फाउंडेशन कोर्स में था पहला महीना बहुत अच्छा रहा फिर दो महीना फिर खराब हुआ बट आई एम गोइंग टू एन तो एन के भरोसे जा रहे हैं कि थोड़ा सही हो जाएंगे फिट हो जाएंगे तो ये बहुत है कि अगर आप मेंटल फिटनेस इंप्रूव करना चाहते हो ना फर्स्ट इम्प्रूव योर फिजिकल फिटनेस बिकॉज ये बहुत रिलेटेड है और तीसरी जो लर्निंग ये थी कि टेस्ट सीरीज़ हमेशा फोकस पे रहना चाहिए यू शुड नो वॉट यार एनिमीज स्ट्रेंथ इज अगर आपको नहीं पता उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आप एनालिसिस कर पाते हो कि क्या पूछते हैं किस एरिया से पूछते हैं और फिर आप टेस्ट सीरीज पे उसको इम्प्लीमेंट करते हो तो आपको जो आप जिससे लड़ने जा रहे हो उसके बारे में तो पता होना चाहिए ना दैट्स वॉट इंटेलिजेंस कलेक्शन इज़ ऑलसो आपको उसके बारे में चीज़ें पता होनी चाहिए दैट्स वैन यू विल बी एबल टू फाइट तो ये चीज़ हमेशा याद रखनी चाहिए और ये मैंने सीखा है अपनी जो गलतियाँ थी जो लर्निंग्स थी वो यहीं थी वो हमेशा से मेरे फादर मेरे को रश्मि रथी पढ़ाते थे बचपन से हम उसको रिसाइट करते थे तो उसकी एक लाइन थी जो मेरे को एकदम याद आती है कि वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चुम चुम सह धूप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर तो यही थी मेरी जर्नी और इन द एंड मैसेज फ्रॉम द टॉक यूपीएससी टीम विच प्रिपरेशन सो प्लीज डू वॉच इट हेलो एस्पिरेंट्स हम में से बहुतों का सपना है आई ऑफिसर बनना लेकिन ये जर्नी बहुत महंगी है और इसलिए रिक्वेस्ट किया कि क्या जो को हेल्प कर सकते हैं फाइनेंशियली उनकी इस जर्नी में तो इसलिए जो स्टॉक्स ने कांटेक्ट किया इंग्लिश मीडियम के लिए के एस के खानसर को और हिंदी मीडियम के लिए संस्कृति आई को शायद खान सर और के की इंट्रोडक्शन ही देने की जरूरत नहीं है देश के सबसे जाने माने और रिस्पेक्टेड इंस्टीट्यूट में से है सृष्टि जैन देशमुख शायद आपने नाम सुना हो सर की ही स्टूडेंट रही हैं जिन्होंने 2018 में ए आई हासिल की वहीं संस्कृति आई के भी बहुत स्टूडेंट्स ने यूपीएससी में टॉप रैंक प्राप्त की हैं कुछ ही समय में उनके भी बहुत स्टूडेंट्स की टॉक्स रिलीज होने वाली हैं तो जोश स्टॉक्स ने के एस और संस्कृति आई से बात की और उन्हें रिक्वेस्ट किया कि क्या वो जोश की फैमिली के लिए एक बहुत बड़ी स्कॉलरशिप दे सकते हैं मुझे बहुत खुशी है हम सबके साथ ये बात शेयर करने की कि दोनों ही इंस्टीट्यूट मान गए वो जोश की फैमिली के लिए अपने फाउंडेशन कोर्स पे स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेंगे यानी की वो क्वालिटी की एजुकेशन जिसकी फीस लाखों में जाती थी अब हम अफोर्ड कर पाएंगे ये हेल्प वैल्यूएबल है सबसे ज्यादा हम नए एस्पिरेंट्स के लिए जिन्हें फाउंडेशन कोर्स करना तो है लेकिन लाखों की फीस हम अफोर्ड नहीं कर सकते जोश फैमिली की ये स्कॉलरशिप पाने के लिए हम नीचे दिए गए गूगल फॉर्म को फिल कर सकते हैं जब आपको कॉल आए तो प्लीज ये मेंशन करना मत भूलना कि आप जोश फैमिली के पार्ट हैं ताकि आपको ये स्कॉलरशिप मिल पाए जोश टॉक्स को बहुत गर्व है कि अब एस्पिरेंट्स को जोश सिर्फ कहानियों ऐसी नहीं बल्कि असलियत में फाइनेंशियली सपोर्ट कर पा रहा है जोश टॉक्स का सपना कभी भी सिर्फ टॉक्स बनाना नहीं था जोश का मानना है कि हम सब में एक काबिलियत है अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करने की। मगर जिंदगी की कुछ परिस्थितियां हमें अपने अंदर के टैलेंट को बाहर नहीं निकालने लेकिन अब कम से कम हमारी फाइनेंशियल स्थिति हमें अपने आई बनने के सपने से रोक नहीं सकती जोश टॉक से एक बड़े भाई या बहन की तरह हर वक्त हम सबको जिंदगी में आगे लेके जाने के प्रयास में लगा रहेगा आप बस जाके अपना हंड्रेड परसेंट दीजिए एक भी दिन जाया ना होने दे बाकी जोश संभाल लेगा जय हिंद